स्वागत करती हूँ आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। घाटशिला के मुसाबनी में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी कार्यालय खोला गया। इस कार्यालय का उद्घाटन भाजपाइयों के लोकप्रिय पूर्व सांसद विद्युत वरण महतो ने फीता काटकर किया। कार्यालय के उद्घाटन से स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी गई। इस दौरान सत्या तिवारी, दिनेश साव, सौरभ चक्रवर्ती, मोहम्मद नसीम, कल्पना सोम, भीम बहादुर लामा, बादल लामा, सोमनाथ मुखर्जी, मुकेश सिंह समेत काफी संख्या में भाजपा नेता एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। हमारा संसद कैसा हो, हमारा संसद कैसा हो, हिंदू नागो जैसा हो। आज मुसाबनी में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आईसू लोजपा और जेडीयू समर्थित प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने हमें यहाँ बनाया है। इसके लिए पार्टी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उसी कार्यक्रम के दरमियान आज चुनावी कार्यालय यहाँ खोला गया, जिसमें हमारे अध्यक्षता सच्चा बाबू के देख रेख में यहाँ काफ़ी वरिष्ठ नेता लोग यहाँ उपस्थित हैं। महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। आज पिछले 5 साल में जो हम मेरा मुख्यमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन का चलते विकास का गति काफ़ी तेज हुई। देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह समाज के अंतिम व्यक्ति का रूपरेखा तैयार करके उनकी जीवन की विकसित करने में उनकी धरातल में जो योजना उतारने का काम किया, इसी सारे चीज़ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत सारे ऐसा कल्याणकारी योजना जो क्षेत्र में किया, ये सारे विकास का काम हम लोग का द्वारा भी जितने काम हुआ है सारी लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जिस तरह आज राष्ट्रीय सुरक्षा का मामले में आप देखें कि पिछले यूपीए गवर्नमेंट में आप श्रीनगर जम्मू में मेरा सेना का सर काट के ले जाता था
और पाकिस्तान में बड़ी अभिमान और घमंड से दिखाता था कि हम इंडियन आर्मी का सर कट के घूम रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता। 26/11 बॉम्बे में इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया और हमारा नौसेना, थल सेना, जल सेना सब इंतजार करते रहा कि कब आदेश मिले और हम जो वार करें, लेकिन हमेशा समझौतावादी का चलते राष्ट्रीय में असुरक्षा का भावना था। अब देखें, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, पहले बम फटता था उसके बाद जांच होता, अभी बम फटने से पहले NII सबको पकड़ लेता है। तो ये मोदी और इसमें एक फर्क है। पहले क्या है ना, 26/11 घटना होने के बाद कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब उरी का घटना हुआ तो एक महीना के भीतर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी करवा दी। अभी पुलवामा में 40 सैनिक का हत्या हुआ, उसको मारा गया, शहीद किया गया, और उसी समय देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत बड़ा गलती के इसका जवाबी हमला होगा। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके दुनिया को जता दिया कि देश हर क्षेत्र में सुरक्षित है और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, इस तरह का जघन्य कांडों का किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुनः उनका जवाबी कार्रवाई करेंगे। आज अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, ट्रंप ने भी इस बात को, ट्रंप जी ने भी कहा कि देश में अब दूसरा प्रधानमंत्री है और पाकिस्तान को सचेत किया, इस तरह का काम मत करें या तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और आज देखिए, हमारा पायलट पाकिस्तान में गिरता है और ससम्मान यहाँ पर ले आता है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम लोग का उद्देश्य नहीं कि पाकिस्तान या चाइना किसी से सब झगड़ा करना, हमारा उद्देश्य मित्रता बनकर सभी देश का विकास हो और उसका हमारा प्रायोरिटी है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। ये प्रिंसिपल पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पड़ोसी राज्य से, देश से बेहतर हम लोग दोस्ताना बन के विकास की गति दें। सब मुल्क में गरीबी है, उससे हम लोग लड़ाई करें ताकि आगे चलकर एक बेहतर विश्व बनाने में सबका भागीदारी हो। आज हमारे देश में सारे तरफ जिस तरह रोजगार का खोला गया, मैं अभी देख रहे माइंस का जिक्र किया, अभी MSME सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अलग से एक कैंप कंपनी बनाया था, सॉरी मिनिस्ट्री बनाया था, जिसका चलते आज देखिए करीब जमशेदपुर में लगभग 5 से 6 लाख लोगों को रोजगार मिले। आज ये माइंस सारे खुल जाएगा 7-8 तो 15-16 हजार लोग को ही रोजगार मिल जाएगा। इसके हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि भटके नहीं युवा पीढ़ी, समाज में जोड़कर राष्ट्र के निर्माण में लगे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं रोड रास्ता कनेक्टिविटी 28 से ज्यादा हम लोग RCD पुल रास्ता बनाए, पुल पुलिया बनाए, 472 से आसपास पूर्वी सिंह में प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना बनाए। आज देखिए, पहले जो है 60,000-50,000 मिलता है इंदिरा गांधी आवास के नाम पर, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास शहरी इलाका में 2,25,000 है, वहीं सुदूर देहात में 1,72,000 है। भविष्य में देहात वाला जो स्कीम, इसको आगे बढ़ाना है और सब टाइम बर्ड, उनका कहना कि 2017 तक सभी को शौचालय दें, वो मिशन शुरू है। 2018 तक सभी का बिजली पहुंचे, आज पहुंच गया है। 2022 तक सोचा कि हर गरीब को मकान मिले, इसके लिए मेरा सरकार प्रयास है और काम जारी है और 2022 तक इसको पूरा करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका आशीर्वाद लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक समृद्ध भारत जो हर तरफ से सुरक्षा हो, मजबूत हो, ऐसा राष्ट्र का निर्माण है करना है, ताकि आने वाला पीढ़ी इसको स्मरण करे कि मेरा नेता कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, मेरा नेता कोई जेल जाने वाला नहीं है, मेरा ऐसा लीडर है, ऐसा जो देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का जैसा, जो आने वाला पीढ़ी उससे सबक ले और आगे चलकर इस राष्ट्र को विश्व के क्षितिज में पहला नंबर ले जाके उभरे, ताकि हम बेहतर भारतवासी जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद। आपका और आपकी पार्टी का यह मूवमेंट है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन भाटका शहर से महज 5 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है केंद्र डांगा, जहाँ पे पानी पीने के लिए लोगों को मिलता है। देखिए, कुछ कुछ समस्या उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम सबका साथ सबका विकास इसलिए बोल रहा, जब गाँव में बिजली जाता है तो हमें तो नहीं देखता कौन धर्म संप्रदाय का है, जब गैस बांटते हैं तब सारे लोग भारतवासी के ऊपर मानते हैं। मेरा उद्देश्य भी वही, सबका साथ मैंने सब कभी किसी कारण कोई छूटा तो उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे, उस दिन महीने के भर भीतर इसको पूरा करेंगे। हम जीता तो घगरा पकड़ लिया गया, नक्सल जंग था,
बारह चौदह गांव में बिजली नहीं उड़ा और उन लोगों को बोला कि दो महीना में हम बिजली लगाएंगे, डेढ़ महीना में पूरा सब क्षेत्र में बिजली लगा। पानी का जहाँ दिक्कत है पानी का व्यवस्था किया जाए। इतना बड़ा पानी का जो मुसाबुनी क्षेत्र में अब देख रहे हाहाकार था, अब साल भर लगेगा, डेढ़ साल में यह पानी का हमेशा के लिए। अब फिर लोग ज्यादा बात उठाते हमारे पत्रकार बंधु है, सबसे ज्यादा पानी के ही लोग बोलते थे, अभी लोग बोलते थे आज, लेकिन हुआ, प्रयास हुआ और इसमें हम लोग दोनों लगे हैं, विद्यमाननीय विधायक जी भी लगे हैं, हम लोग भी लगे, हमारे मुखिया जिला परिषद सबका सहयोग से लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगातार विधायक जी इस क्षेत्र में दौरा करते हैं, समस्या का निदान करते हैं, तो जिस तरह वहाँ डबल इंजन भी यहाँ पे डबल इंजन है, इसीलिए काम का रफ्तार है और हम लोग बेहतर काम करने आपके आशीर्वाद से प्रयास करेंगे। और आपके माध्यम से हमको बहुत सूचना मिलता है, अभी जो मुसाबनी आप देखें पुल बना, अभी का प्रिंट मीडिया ही मीडिया से आया कि यहाँ लकड़ी का आज़ादी के बाद से हुआ, आप लोग लिखिए हम लोग का संज्ञान में और सरकार इतना तेज गति से चल रहा, पुल भी निर्माण हो रहा। इसी तरह आज आप बोले वहाँ पानी का दिक्कत है, अब जाइए इस इलेक्शन के बाद देखिए वहाँ पानी का भी निदान कर। राजनगर अंतर्गत बड़ा सिलजुलता के उड़गुटू में पानी की भारी समस्या से लोग जूझ रहे हैं। पानी की बेहतर सुविधा न होने से इस तपती गर्मी के बावजूद एक नलकूप से घंटों लाइन लगाकर पानी लेने को ग्रामीण विवश हैं। बीते दिनों पूर्व ही एक सोलर पंप भी लगाए गए परंतु वह भी खराब पड़ा है। इस गांव में पानी की समस्या काफी पुरानी है परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थिति जस की तस है। अंदर जल को सुविधा अच्छे, एक बोरिंग अच्छे, जल बाहरी लाइन लगते अच्छे, जल संया उठे, जल यहाँ बोरिंग बनाई दीछे नहीं, हमरा निजर पैसा ही बना थी, जल संया बनाई दीछे नहीं, किचु नहीं, अंदर जल रहने को सुविधा अच्छे, अनेक दूर बोरिंग अच्छे, अंदर स्कूल बोरिंग बनाई, हमारा नाम पारुल, स्कूल अच्छा ना, एठी नहीं जल खासे ना, जल टुकु टुकु बहरा छे, भला बहरा छे ना, हमरा पैसा उठा छे, जल बोरिंग बना छे, जल टा लाल लाल ही बहरे, तो केमन ल तोरा छाकी करी ली কত দূরে আছে চাপাকল আর চাপাকল আছে ঢের দূরে আছে আমি জানো কত দূরে আছে বলি তো বহু মানে বহু গড়া তো পাইল না গিয়ে আর ঘুরে দেখতে পাইল না বলবি কি আর গায়ে চাল জলমিনার আছে কি নাই জলমিনার আমার বহু দূরে আছে ওটাও খারাপ আছে এখন আমাদের পাশে তো বহু দূরে আছে পাশে নাই এটা আচ্ছা এই চাপাকল যখন খারাপ হয় তো কি করতে হয় তোমাকে আমার বহু কষ্ট হয় যাতে এই জমা ঢুকে আনতে জল হয় पानी के लिए पानी छान के पीने पड़ रहे हैं, चापाकल सब खराब है और एक जो चापाकल जल में वो भी खराब है, क्या करने गांव का लग जाते हैं नाला का पानी लेके वही पी रहे हैं छक छक तक के। अच्छा यहाँ स्कूल के सामने भी तो चापाकल है ना? हाँ वो भी तो खराब है, तो स्कूल बच्चे कहाँ से पानी लाने आते हैं? स्कूल बच्चा सब वो तो आते हैं, स्कूल बच्चा लोग जहाँ जो बोरिंग थोड़ा सा अच्छा रहता है उसी जगह चल जाती है, लेके यहीं धोते हैं और पानी भी यही से लेके चल जाते हैं बच्चा लोग पीने के लिए। बहुत पानी, बहुत लेट में पानी निकाल रहे हैं इसी जगह। क्या चाहते हैं आप लोग? वो तो अच्छा बनाने में यही बना दीजिए और एक जल मीनार इसमें डाल दीजिएगा, वही सुविधा होगा बच्चा लोग का। साहिबगंज महाविद्यालय में आज NSS के बैनर तले रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से महाविद्यालय के सुमित कुमार शर्मा ने रक्तदान किया और कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं। इस मौके पर डॉक्टर रंजीत सिंह, अमित कुमार सिन्हा, आशीष कुमार, जितेंद्र मरांडी, विकास कुमार ठाकुर एवं उमर अंसारी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। साहिबगंज महाविद्यालय के कर्मचारी आप हैं जी, आप रक्तदान देने के लिए आए हैं जी। रक्तदान देने के लिए आपको किसी से प्रेरणा मिली या आप आपके साथ कुछ ऐसा घटना घटा है? एक बार बहुत पहले की घटना है, किसी हॉस्पिटल में आए थे बहुत पहले, तो एक महिला प्रेगनेंसी के दरमियान में बच्चे और उसके बच्चे और माता दोनों की मृत्यु हो गई थी सिर्फ रक्त के कारण से, उसको ब्लड की आवश्यकता थी, उसको ब्लड मिला नहीं था। तो तब से हमको अजीब लगा कि जितने भी लोग यहाँ हैं सब जगह तो रक्त ही रक्त है, लेकिन रक्त हमें इतने हम लोग जितने भी हैं सब के अंदर रक्त है,
और रक्त होने के बाद जो है उस महिला और बच्ची की मृत्यु होगी। हमको ये सोच के रात भर हमको नींद नहीं आया, रात भर हमको नींद नहीं आया कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। जो बच्चा अभी धरती पे जन्म नहीं लिया है, सिर्फ उसकी मृत्यु इसलिए हो गई कि रक्त नहीं था, रक्त उसको कहीं से मिला नहीं, कहीं से व्यवस्था नहीं हो पाया, कहीं कोई डोनेट नहीं किया, तो हमको लगा नहीं करना चाहिए और तब से आज तक कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी आपने ब्लड दिया है? हाँ, कई बार दिया। अच्छा, कई बार दिया। और हमारे महाविद्यालय के NSS कैंप के माध्यम से, रंजीसर के माध्यम से आज ब्लड कैंप चलते रहता है, कहीं से कोई सूचना आता है तो ब्लड दिया जाता है। सर अपना रहा तो सर खुद दे दिए, छात्रा कर्मचारी उनसे दिलवा दिए, या कहीं और व्यवस्था हो गया कहीं से फोन करके पता करके, मतलब रक्त मिल जाना चाहिए उससे, हाँ उनका जान बच जाए। आपके साथ और लोग जो आए हुए हैं उनका परिचय? ये सर हम बताएं, आशीष कुमार पासवान साहिबगंज महाविद्यालय के स्टाफ हैं, कर्मचारी, और हम उनके सहयोग में आए हुए हैं ये रक्त डोनेट करने के लिए। आप रक्तदान किए जी? आप रक्तदान किए हैं जी? समाज में आप भी अपने स्तर से रक्तदान प्रेरित कीजिएगा युवा को जी। और आप विकास कुमार ठाकुर साहिबगंज कॉलेज एनसीसी कैडेट। आपने रक्तदान किया कभी? जी। कब किया आपने? 2015। युवा के बीच आप ये संदेश दिए हैं? जी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रजीश कुमार साहब महाविद्यालय साहेबगंज, और जब से ये ब्लड बैंक स्थापित हुआ है साहेबगंज जिले में, और पहला कैंप हम लोग NSS के माध्यम से साहेबगंज में लगाया था, लगभग 27 मिनट पहला दिन, जिसमें कि दो लड़कियां भी दी थी और मैं खुद दिया था उसमें, और मेरे देने के बाद ही बच्चे का एक लाइनअप हो गया कि सर दे सकते हैं। तो एक रोल मॉडल के रूप में अपने को आगे आना पड़ेगा, किसी को भी आगे आना पड़ेगा, तभी इस भ्रांति को दूर किया जा सकता है कि रक्त देने से कमजोरी आती है। बहुत सारे चीज़ें महिलाओं को खास करके ज़्यादा इसमें भ्रांति है। हमारे लगभग 15 से 20 लड़कियाँ साहिबगंज महाविद्यालय की दूसरी प्रेरित होकर के दूसरी महिलाएँ भी कॉलेज की शिक्षिका है, स्कूल की शिक्षिका है, वो लोग आकर के डोनेट की। निश्चित रूप से आज युवाओं में और हमारे साहिबगंज महाविद्यालय के NSS और NCC ये लगातार प्रयास करता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से, और जिनको भी जैसा भी जरूरत होता है वो ब्लड बैंक से फोन आता है, हमारे डॉक्टर साहब करते हैं, या किसी को निडी जिनको भी जरूरत होता है हमारे पहाड़िया समाज की, या जो भी होता है, तो जैसे ही कॉन्टैक्ट करते हैं हम लोग कोशिश करते हैं तो उसको जल्द से जल्द रक्त मिल जाए ताकि उनका जीवन बच जाए। और हम लोग का एक ही मकसद है साहिबगंज महाविद्यालय के NSS और NCC और हमारे युवाओं से हम एक ही संदेश देंगे कि जब जिस तरह जरूरत पड़े, या हमारे राष्ट्र पे हो, या हमारे समाज पे हो, या हमारे शहर में हो, जब जरूरत पड़े, क्योंकि मतदाता का अभी 19 मई को मतदाता हम लोग के मतदान होना है, और ये 17वीं लोकसभा का राजमहल क्षेत्र बड़ा हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें राष्ट्र का निर्माण होने के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनना है, तो हम रक्तदान के माध्यम से हम एक अपील करेंगे समूह युवाओं से, प्रथम हमारे महिलाओं से भी, रक्तदान ये मतदान जरूर करें, रक्तदान से जीवन दान दे और मतदान से राष्ट्र निर्माण करें। यह संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। और आपका परिचय? मेरा मोहम्मद उमर अंसारी, मध्य विद्यालय चांदा से ठाकुरगंज के, जिला गुंडा झारखंड से। तो आप यहाँ पे आए हुए हैं? मेरा वाइफ जो है यहाँ पे भर्ती किया हुआ है, तो उसको मतलब ब्लड की जरूरत थी, वो पॉजिटिव था, तो बहुत मैं परेशान था उसके वजह से, तो मैं मतलब आप सर से कांटेक्ट किए? सर से कोई कांटेक्ट करवाया। अच्छा। तो मतलब जाके वहाँ से किसी तरह एक पॉज अभी मिल पाया है, बाकी बाद जो है सर बोले कि घबराइए नहीं, संतुष्टि रखिए, आपको पूरा ब्लड मिल जाएगा। सहयोग मिल रहा है आपको सर की तरफ से? सहयोग मिल रहा है सर। सर के साथ बने रहिएगा, और आप भी समाज में ये प्रेरणा दीजिएगा लोगों के बीच। इन्होंने मतलब प्रॉमिस किया है कि सर हमें आप जुड़िए, मैं भी ब्लड डोनेट करूंगा। अपना प्रॉमिस किया कि किसी को अगर ब्लड की जरूरत हो तो अगर मैं
जितना हो सके मेरे मतलब कि मैं अपना प्रदान कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सर को रिक्वेस्ट भी किया इस बारे में कि किसी को भी जरूरत पड़े तो समाज में या कहीं पे मैं अपना रक्तदान जीवन दान है, कृपया इसमें सहयोग करें, इसमें सहयोग करें। मैं जितेंद्र मरांडी साहबगंज महाविद्यालय साहबगंज पीजी का छात्र हूँ और एनएसएस वॉलंटियर्स भी हूँ। आप सर के साथ आए हुए हैं? जी सर के साथ हम आए हुए हैं। और आप अपने आदिवासी छात्रावास में भी इसका संदेश दिए? बहुत बच्चा यहाँ आपका सहयोग रहा है, एगस्टिन है, एगस्टिन बेसरा है, इसका दो तीन बच्चा है जो कि। और अपने समाज में आप क्या संदेश दे रहे हैं जी रक्तदान के प्रति? रक्तदान जो है, रक्तदान जो है सबसे बड़ी दान है, रक्तदान से कोई घाटा नहीं है, बहुत ही फायदा है, इसमें शरीर में रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए ब्लड दान करना बहुत ही जरूरी है। और अभी तक में मैंने 6 से 8 बार ब्लड दान कर चुका हूँ। और लास्ट में मैंने एक महिला पेशेंट थी जो फरवरी महीना 27 तारीख को मैंने ब्लड दान किया था उनको। बहुत 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 धन्यवाद। तो आप युवा वर्ग के हैं और युवा को आप प्रेरित करते हैं रक्तदान के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, जुड़े रहिएगा, धन्यवाद। और आपको रक्त दे के कैसा महसूस हो रहा है? ठीक है, अच्छा लगे। चलिए फिर से आगे कोशिश में लगे रहिएगा, धन्यवाद। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे संबंधित क्षेत्र में वाहनों का जांच अभियान तेज कर दिया गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर आज चाईबासा व पूर्वी सिंहभूम के सीमावर्ती क्षेत्र हाता में जांच अभियान चलाया गया। पचास हजार से ज्यादा नीचे पैसा लेके जाइएगा तब पेपर जो है ना आपको साथ में रखना होगा, आपको देखेंगे तब जाकर उस पैसा को छोड़ेंगे, वरना आपका वो पैसा सीज हो जाएगा। क्या क्या जांच चल रहा है सर इसमें? इसमें जांच हम लोग आदेश दिया गया है, गाड़ी का पेपर देखना है, गाड़ी का ड्राइवर लाइसेंस जो चला रहा है उसका ड्राइवर लाइसेंस देखना है, और किस समय जा रहा है उसका टाइमिंग नोट करना है, और तीन चीज़ हम लोग को दिया गया है, प्लेट, ड्राइवर लाइसेंस, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर भी साथ में टाइप देंगे। तो अभी तो कुछ मामला सामने आया है? बिल्कुल। मजदूर दिवस मनाने को लेकर सामाजिक संगठन द्वारा जमशेदपुर पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल अधिकारी को एक पत्र सौंपा गया। बताया गया कि मजदूर दिवस कार्यक्रम में मजदूरों को सम्मानित किया जाएगा। क्या ज्ञापन देना है आप लोग? ज्ञापन भी दिया तीसरा साल करा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर कौन है इनके? हम लोग मजदूर दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं सामाजिक लोग मिल करके, तो उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए हुए थे। कहाँ पे होगा? स्टेशन गोलचक्कर पर। क्या क्या होगा वहाँ? वहाँ पर मजदूरों को सम्मानित किया जाएगा और इसमें चीफ गेस्ट भी कुछ आ रहे हैं। उद्देश्य क्या रहेगा आप लोग का कार्यक्रम? उद्देश्य है कि हम मजदूरों को सम्मान दें, हक दें और उनको सर उठाकर जीने के लायक बनाए, न्याय दे उनको, मतलब प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग मजदूर दिवस मना रहे हैं। ऐसा लगता है अभी भी मजदूर लोगों को भी उनका हक नहीं मिल रहा है, मजदूरों को हक नहीं मिल रहा है, और हम लोग यही चाहेंगे कि उनको पूरा हक मिले, उनको कुछ जानकारी भी देंगे कि उनका हक क्या है, उनको सम्मान मिलना चाहिए, ये सबको लेकर के हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एसडीओ साहब से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से मिलने आए थे। आपका नाम? पार्वती शर्मा। सब सामाजिक लोग? हाँ सामाजिक लोग हम लोग।